वैसे सबसे पहले क्या करना, लेफ्ट हैंड अपन को हेड पे रखना और दो बार अपन को चिक चिक करना है, ठीक है, 1 2। अब अपन को राइट लेग आगे की तरफ रखना है और दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ मतलब बाहर की तरफ है और एक एयर में रहेगी, ठीक है, रेडी 1। अब नीचे रखना है 2। अब लेफ्ट लेके जाना है अपन को 3 4। अब राइट से वापस 5 6। अब लेफ्ट लेना है अपन को 7 8। इसके साथ हैंड्स भी खुले रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट राइट लेग को अपनी जो एड़ी है उसको टच करना है यहां से और देखना भी अपन को राइट साइड है, हल्की सी जंप के साथ लेना है अपन को 1, फिर नीचे रख देना है 2। अब दोनों हाथ को अपन को बांधना है और दोनों लेग्स को खोलना है और हाथ ऊपर लेके जाने है 3 एंड 4। सेम वही चीज करनी है, लेफ्ट साइड अपन को हल्का सा जंप और लेफ्ट लेग की लेफ्ट हैंड एड़ी भी टच करना है 1 2। अब वही लेग्स खोलने हाथ ऊपर 3 एंड 4। अब दोनों राइट मतलब राइट और लेफ्ट को स्ट्रेट करना और शोल्डर चलाने हल्के हल्के 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट लेग को पीछे लेना अपन को 1 2। अब लेफ्ट को लेके जाना है 3 4, फिर अपन राइट को 5 6, फिर लेफ्ट को 7 8। अब राइट लेग से अपन को एडी पर करना है, ठीक है, और हैंड्स क्रॉस करते जाएंगे, ठीक है। पहले राइट लेग को उठा के 1, अब हल्का सा जंप, फिर लेफ्ट को करेंगे अपन 2, फिर हल्का सा जंप, फिर राइट, फिर हल्का सा जंप, फिर लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद दोनों अपन स्ट्रेट हो जाएंगे और एक हल्की सी जंप के बाद ग्रैबिंग लेनी है, फिर इसके बाद वही दो बार 1 2। अब इसके बाद क्या करना है, जस्ट लेफ्ट हैंड को अपन को इस तरफ रखना है और राइट को लेकर जाना है राइट लेग को, ठीक है 1। अब वापस ओपन करना है 2। अब लेफ्ट लेग्स को लेकर जाना है 3 एंड 4। अब क्या करना है, जस्ट एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, ठीक है, और लेफ्ट लेग से किक करनी है अपन को 1। अब इसके बाद जंप करना है, फिर राइट से 2, फिर जंप करना है, अब डबल करना है अपन को डबल किक 3 एंड 4। अब इसके बाद क्या करना है, जस्ट लेफ्ट लेग्स को रख देना है, राइट से पीछे की तरफ लेना है अपन को 1, अब लेफ्ट को लेना है 2, राइट को लेना है 3। अब लेफ्ट को आगे रखना है और राइट लेग्स को घुमा के लेना है हल्का सा 1, फिर लेफ्ट को रखना है 2 एंड 3।